जितना मौसम नहीं बदलता है उतना इसका नियोजन नीति बदल रहा है, सिलेबस बदलता है। ये हर एक प्रकार के बेरोजगार छात्रों के ठगने। कोमा में जाते हैं उसमें भी चुनाव क्यों लड़ते हैं, उसको भी तो रिटायर हो जाना चाहिए। देखिए कदुआ, जब यहाँ दिन रात पैसा इसे इसे उड़ रहा है, हवा की तरह उड़ रहा है, ऑटोमेटिक आपका अगर नौकरी हो जाता है तो कोई प्रधानमंत्री आवास योजना, बाथरूम योजना, जितने भी तमाम जितने फूलो झानो जितने भी योजना है, कोई पता है एक बेरोजगार छात्र पला जाएगा, जितना कुत्ता पालने में लगेगा उसको, प्रतिदिन उसको लगेगा मीट आधा केजी लगेगा, एक साबुन आता है नहाने के लिए। नॉमिनेशन कराया कैसा लग रहा है? कैसा नहीं लग रहा है, बेरोजगार है तो वैसे अंदर से कंगाल है ये है, तो सुखी थोड़ी ना कि हमको नौकरी मिल गया है जिला पुलिस या सचिवालय में, क्या अच्छा लगेगा। अंदर से दिल अभी टूटा टूटा है, पूरा टूट गया है, एक सिगरेट जला हुआ सिगरेट की तरह अभी हम जले हुए हैं। सीएम ने बोले थे हर साल 5 लाख नौकरी दे, कदुआ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली ये तो छात्रों का बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। अगर देते तो हम कहा यहाँ आते हैं कि हम अभी कोई नौकरी करते रहते आराम से। तो गुजारा भत्ता भी देने वाले थे ना, कोई भत्ता आता, भात भी मार भात भी दे दे काफी है, हमको लगता है कि वो भी नहीं देंगे, तो भत्ता तो अलग बात है, ये तो मार भात भी दे के दिखाए बेरोजगार आदमी को या जितने ग्रामीण क्षेत्र आदमी को। बत्तख पालन, मुर्गी पालन कर देते हैं, क्या कहिएगा? अरे बत्तख पालन, कुत्ता, कुत्ता भी पालने में आपको पता है एक बेरोजगार छात्र पला जाएगा, जितना कुत्ता पालने में लगेगा उसको, प्रतिदिन उसको लगेगा मीट आधा केजी लगेगा, एक साबुन आता है नहाने के लिए जो हम लोग खुद करिया साबुन में नहाते हैं, तो कहाँ से नहा पाएंगे हम लोग, कहाँ से कुत्ता पाल पाएंगे। तो मुर्गी बत्तख पालन भी आसान नहीं है, वो भी उसमें लगता है, फंडिंग की जरूरत पड़ता है, तालाब की जरूरत पड़ता है, कुआं की जरूरत पड़ता है, सब तो योजना दलाले लोग खा जाता है, तो हम लोग कदुआ क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करने सकेंगे, ये खाली बेवकूफ बना रहे सरकार और कुछ नहीं। रामगढ़ विधानसभा में कहा जाता है ना 15 साल में विकास हुआ है, कुछ ना 3 साल में विकास हुआ है, तो आप 1.5 साल में क्या कर पाई? 1 साल में हम विकास उकास की बात नहीं करेंगे, सीधा सीधी हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा में की नियोजन नीति अब स्थापित बनाइए और अस्थायी बनाइए और झारखंड के हित में बनाइए। अगर ऑटोमेटिक आपका अगर नौकरी हो जाता है तो कोई प्रधानमंत्री आवास योजना, बाथरूम योजना, जितने भी तमाम जितने फूलो झानो जितने भी योजना है, कोई जरूरत नहीं है। अगर एक घर में इंजीनियर बन जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ से वहाँ रोड ढाल देगा, ऑटोमेटिक अपना सब चीज़ कर लेगा, किसी पे आश्रित नहीं है। आप देखिएगा गांव में कि सरकारी फंड का उसका किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप विकास करता है। तो आप एक घर में अगर नौकरी हो जाता है तो 50 आदमी उससे खुश होता है, तो ये नौकरी का अवसर है, ना कि ये फंडिंग वंडिंग ये सब डूगी ड्रामा की जरूरत है। अभी तो नियोजन नीति भी रद्द हो गया है, फिर 1932 भी नहीं लागू हो पा रहा है सर, सीएम तो जश्न भी मना चुके हैं। तो वही बात है, इन्हें इसलिए नहीं यहाँ आए हैं, अगर नियोजन नीति रहता 1932 रहता तो हम ये कहाँ आते हैं, सो बताए क्यों आते हैं यहाँ, हमें छात्र का संबंध। अरे हम छात्र, बेरोजगार छात्र हैं, कोई नेता उता नहीं है, क्रांतिकारी है। आप देखिए जितना मौसम नहीं बदलता है उतना इसका नियोजन नीति बदल रहा है, सिलेबस बदलता है। ये हर एक प्रकार के बेरोजगार छात्रों के ठगने का प्रयास कर रही है और कुछ नहीं, सारा कैंसिल कर रही है। अपरिहाय कारण से जेसीसी के माध्यम से ये बहाली रद्द किया जाता है, एक अपरिहाय कारण है, ये अमरीका शब्द से लाया है, कहाँ से लाया, नहीं शब्द लाया है ताकि छात्र नहीं समझ सके, तो बुड़बक छात्र नहीं है, मास्टर डिग्री किए हुए है, रांची यूनिवर्सिटीज किए हुए है, बुड़बक नहीं है, भले माल भात खाते हैं लेकिन बुड़बक नहीं है। और बुड़बक बनाना बंद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री साहब, यही हम बोलते हैं। यहाँ चुनाव लड़ने का मकसद है, ये मेरा महाबाली और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे लेकिन मजबूर हैं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। कितने छात्र का समर्थन मिल चुका है? देखिए अभी सभी जितने भी बेरोजगार छात्र सभी का समर्थन मिल चुका है कि आप लड़िए तब आए हैं, अगर छात्र नहीं रहते तो हम यहाँ नहीं रहते खड़ा, छात्र तब हम, अकेले कुछ होता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरह मेरा सब है, सब बेरोजगार छात्र मेरे साथ हैं। 1000 छात्र नॉमिनेशन कराने वाला हम हौसला बुलंद किए थे कि पूरा तमाम जितने भी झारखंड वासी है सब आके नॉमिनेशन 1000 करवाए, मेरा प्रयास भी था, और 20 से 30 जो स्टूडेंट है बेरोजगार छात्र पर्चा भी खरीदे हैं, आज वो साथ नॉमिनेशन भी करवा लेंगे। 1000 नॉमिनेशन कराने से ज्यादा बेटर रहेगा कि 1000 कैंडिडेट किसी एक को समर्थन देने से ज्यादा अच्छा? समर्थन देखिए कदुआ, जब यहाँ दिन रात पैसा इसे इसे उड़ रहा है, हवा की तरह उड़ रहा है, पेड़ के पत्ता की तरह उड़ रहा है, तो क्या बेरोजगार छात्र जीत पाएंगे, वो असंभव है, लेकिन एक चुनौती देना हम लोग का काम है। जिस प्रकार एक्साइज कॉन्स्टेबल सचिवालय में बहाली जैसे 500 पोस्ट है 5 लाख भरता है, तो उसी प्रकार एक सीट है तो यहाँ के 1000 अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं, तो एक आदमी को क्यों सपोर्ट देगा, सभी चुनाव लड़े तब उसको अनुभव होगा कि चुनाव में क्या होता है और मंत्री क्या करता है, अनुभव लेना भी तो जरूरी है। ये जिंदगी केवल खाने के लिए नहीं है, अनुभव और ज्ञान की जरूरत भी है। कैमरा के माध्यम तमाम स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए? तमाम स्टूडेंट की यही बोलना चाहते हैं कि जितने भी बेरोजगार छात्र हैं, बेरोजगार छात्रों का ही सपोर्ट करें, जो आपके बीच में आंदोलन करता है, आपके बीच में आवाज़ उठाता है, उन्हीं का सपोर्ट करें, अन्यथा
आप जो है अभी जिस प्रकार रोड में घूमते हैं उसी प्रकार आप घूमते रहिए, पालते हो, और सुअर जो घूमते रहता है इधर उधर उसको कोई मतलब रहता है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, और एक फिटनेस रहता है, मोटा ताज़ा रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसी प्रकार आप घूमते रहिएगा, कोई मतलब नहीं इधर उधर। तो आप एक जाते हैं, एक अवसर मिलता है, एक नौकरी मिलेगा, तो ज़िंदगी अपना फैमिली को और परिवार को संभाल सकते हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि अगर एज चला जाएगा तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो उसको क्या कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री जब चला जाएंगे तो 60-70 कोमा में जाते हैं, उसमें भी चुनाव क्यों लड़ते हैं, उसको भी तो रिटायर होना चाहिए क्या? यहाँ के झारखंड के जनता, यहाँ के छात्र क्या खाने के लिए पैदा हुए हैं? उसका भी तो कुछ चलना चाहिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, उसको भी कुछ चाहिए ना। केवल आदमी को ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सभी छात्र हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए कि हमको अवसर पे, जब रास्ते हम तो छीनने नहीं जा रहे हैं नौकरी का, किसी का हम नौकरी नहीं छीन। अरे भैया आपके एक सीट है तो एक सीट आप बहाली कीजिए ना, एक ही सीट में मेरा क्षमता होगा तो हम उसमें घुसेंगे, और जिसमें 3.25 करोड़ जनसंख्या के जितने भी बाल बच्चा पढ़ते होंगे सब घुसेंगे, जिसका भी क्षमता होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि जबरदस्ती हमको दीजिए, अरे सरकार आपको बनाए हैं तो सरकारी आप जितना भी बहाली है 110 जितने भी आप बहाली कीजिए। आप जेपीएससी में देखिए क्या धंधा इन लोग बना कर रखे हैं। जेपीएससी में बोला गया था बहुत सारा घोटाला हुआ हमारे, कुछ तो पर्दाफाश नहीं हो पाया। वही तो, 1932 लागू करने के जगह कटअप 532 लागू कर रहा है, क्या ये संभव है कि ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस में 532 कटअप सेम जाएगा, जब सबका उच्च नीच होता है 0.6, 0.8, 0.10 ऐसे डिस्टेंस रहता ही रहता है, लेकिन इसका सरकार की कारतूत देखिए आप, सेम 1932 की जगह 532 हमको लगता है रात में निषेध मंत्री भी है। शिक्षा मंत्री के साथ निषेध मंत्री आप क्यों नहीं बोलते हैं? खाली शिक्षा मंत्री आप बोलते हैं, वो तो निषेध मंत्री है, वो क्यों नहीं बोलते हैं? तो 1932 की जगह 532 लागू कर रहे हैं, तो उसमें आरक्षण दिया जा रहा था, आरक्षण कहीं नजर नहीं आ रहा है, और एक साल बाद कटअप भी जारी हुआ। आरक्षण देगा ओबीसी सब खलास हो जाएगा, तब कब आरक्षण देगा 27%? सो बताइए कब मिला है? अभी देखिए ओबीसी लोग का सबसे घटिया उन्हीं लोग का है, या एसटीएससी का जितने भी सबको दबाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ से पलायन होकर असम जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, कहाँ के आदमी है? कहना है कि आदिवासी का सरकार है तो आदिवासी लोग को ही नहीं पहले। अरे भैया तो आदिवासी तो रमेश हांसदा कौन था? आदिवासी ना था वो, कौन था सो बता रहे हैं, वो तो विदेश आदमी नहीं थे। रमेश हांसदा ही तो केस फाइल किया, अरे एक आदिवासी ही मूल निवासी ही सरकार है, अरे एक आदिवासी मूल निवासी ही तो केस फाइल किया और सारा भी नियोजन नीति रद्द हो गया एक आदिवासी की वजह से। तो क्या रीजन है? आदिवासी नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो सपोर्ट करेगा जो मेरा जो चलाएगा उसी को भगवान मानेंगे, अन्यथा किसी की नहीं मानेंगे कलयुग में। जो साथ देगा उसी का हम ये करेंगे, नाम ये करेंगे।